नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपका ही चैनल विनर 11 फैंटेसी एक्सपर्ट पर। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच जो मैच खेला जाएगा उसके बारे में। तो चलिए अभी हम लोग इधर उधर का बात ना करते हुए सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप भी अगर फैंटेसी में बहुत सारे लॉस पर हो तो सीधा जाके आप इधर में देख सकते हो प्राइम कैप्टन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम पर भी, सॉरी मेरा जो फर्स्ट कमेंट पे भी मिल जाएगा, उधर से जाकर आप प्राइम कैप्टन को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपको बहुत बेहतरीन विन करवा सकता है। तो फटाफट जाकर देर की बात का जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम लोग जो है मैच के बारे में बात कर लेंगे। हम लोगों का जो ग्राउंड होने वाला है ऑन खेड़िया स्टेडियम होने वाला है। एवरेज स्कोर की अगर बात करेंगे तो 180 से लेकर 190 ऑन के आसपास देखने को मिल जाएगा। फिर टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो 30 से लेकर 31 के बीच आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। पिच रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो फॉग पिच रहेगा। अब ये फॉग पिच होता क्या है? फॉग पिच जो होता है, ये फॉग पिच जो है मतलब फर्स्ट राउंड के बाद आएगा। अगर फॉग पिच फर्स्ट राउंड के बाद आता है तो प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट राउंड के बाद जो भी फर्स्ट राउंड पर बॉलिंग करेगा उन लोगों का स्पिनर भी चलेगा, फर्स्ट भी चलेगा। लेकिन जब फॉग के बाद, जब फॉग आएगा उसके बाद जो लोग बॉलिंग करेगा उन लोगों का क्या है कि स्पिनर नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में जो भी होगा फर्स्ट बॉलिंग पर होगा, मीडियम फर्स्ट पर होगा। मतलब गेंद का स्विंग करने का कोई मतलब यही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, जब सेकेंड राउंड पर जो भी टीम बॉलिंग करेगा उन लोगों का सिर्फ फर्स्ट बॉलिंग लेके चलना, जो फर्स्ट में मतलब यॉर्कर डाल सकता है, अच्छा बॉलिंग करता है, बाउंसर डालता है, उन लोगों को ट्राई करना है। तो चलो अभी हम लोग राजस्थान रॉयल्स एंड बेंगलुरु की तरफ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोगों का जो राजस्थान रॉयल्स का जो रहेगा जॉस बटलर, जिसके स्कोर देखेंगे तो 35 और लास्ट मैच पे 100। जयसवाल की अगर देखेंगे तो 20 और लास्ट मैच पे 1। पडिक्कल के देखेंगे 41 लास्ट मैच पे 7। संजू सैमसन के देखेंगे तो लास्ट में 55 एंड लास्ट मैच में 30। हेटनर के अगर देखेंगे 32 लास्ट मैच में 35। रियान फरक के देखेंगे तो 12-5 और रविचंद्रन अश्विन के देखेंगे तो 0 विकेट 1 विकेट। नंदीप सैनी के देखेंगे तो 1 विकेट 2 विकेट। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर नंदीप सैनी ट्रेंड बॉल चहल एंड प्रदीप कृष्णा। क्या होगा कि ये जो रविचंद्रन अश्विन एंड चहल, ठीक है, ये दोनों को क्या है कि सब लोग देखना, चहल का अश्विन का होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन चहल का देखना 80% से ज्यादा सिलेक्शन रहेगा। अगर बंदा, ये चीज अपना दिमाग में घुसा लो, अगर बंदा राजस्थान रॉयल्स बाद में बॉलिंग कर रहा है यानी कि पहले बैटिंग कर रहा है तो भाई चहल का कोई काम ही नहीं है। तो चहल को लेने का क्या जरूरत उधर में, क्योंकि स्पिनर को कोई दबदबा ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर राजस्थान रॉयल्स बाद में बॉलिंग करता है यानी कि पहले बैट करता है तो हम लोग क्या करेंगे, चहल एंड अश्विन दोनों को छोड़ देंगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, फिर आपको देखेंगे नंदीप सैनी, जिसका देखेंगे 1 विकेट 2 विकेट। ट्रेंट बोल्ट का अगर देखेंगे तो 2 विकेट 1 विकेट। चहल का अगर देखेंगे तो 3 विकेट 2 विकेट। चहल है बेहतर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चहल उतना अच्छा खासा कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, ये वो कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ ये जो चहल है अगर बाद में बॉलिंग करता है राजस्थान का टीम तो चहल का कोई दबदबा ही नहीं रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। फिर आपको देखने को मिल जाएगा प्रदीप कृष्णा, जिसका 2 विकेट 1 विकेट। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे बेंगलुरु की तरफ से। तो बेंगलुरु की तरफ से बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, ये रहेगा मेरा टीम बनाने का कुछ तरीका। ठीक है, और एक चीज बताना चाहूंगा कि आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़े हो तो फटाफट जाकर जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पर प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम बेस्ट, सबसे ज्यादा बेस्ट टीम जो कि हम लोगों का टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो आप सीधा जाकर डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर जुड़ सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट टीम। तो चलो अभी हम लोग बात कर लेंगे बेंगलुरु की तरफ से। तो बेंगलुरु की तरफ से जैसे ही हम लोग बात करेंगे आपको पहले देखने को कौन मिलेगा, 5 डुप्लेसिस। इसका स्कोर देखेंगे तो 88-5। एरावत 21-0। विराट कोहली 41-12। ठीक है, डेविड विली की अगर बात करेंगे तो 0 विकेट 18-7 0 विकेट। फिर यहाँ पर रदरफोर्ड देखने को मिल जाएगा, लास्ट मैच पर 28 रन का पारी खेला था, कभी कभी थोड़ा बहुत बॉलिंग भी डरवा लेता है। एस अहमद की अगर बात करेंगे तो 0 विकेट 27-7 0 विकेट। दिनेश कार्तिक की अगर बात करेंगे तो 32-14। डब्लू हसरंगा की अगर बात करेंगे तो 1 विकेट 4-7 4 विकेट। हर्षल पटेल की अगर बात करेंगे तो 2 विकेट। और सिराज की अगर बात करेंगे तो 2 विकेट 1 विकेट। और अर्शदीप की अगर बात करेंगे तो 1 विकेट और 3 विकेट। अभी हम लोग जो ये जो जगह है, ये रहा विकेट कीपर सेक्शन, ये रहा अपना बैटिंग सेक्शन, ये रहा अपना ऑलराउंडर सेक्शन और ये रहा अपना बॉलिंग सेक्शन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको बॉलिंग की जगह जो है इसको हम लोग फील करेंगे। तो कैसे क्या फील करना है, कैसे क्या करना है वो अभी हम लोग देख लेते हैं।
तो यहाँ पर जो विकेट कीपर सेक्शन है, पहले विकेट कीपर को हम लोग फील करेंगे। विकेट कीपर कौन कौन है? बेंगलुरु की तरफ से आपको देखने को मिल जाएगा कौन? दिनेश कार्तिक। ये रहा दिनेश कार्तिक विकेट कीपर। और यहाँ से आपको राजस्थान रॉयल्स की तरफ से कौन कौन देखने को मिल जाएगा? राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आपको देखने को मिल जाएगा संजू सैमसन और बटलर। और आपको कौन देखने को मिल जाएगा यहाँ से? और कोई नहीं है, मतलब तीन विकेट कीपर आपको देखने को मिल रहा है। अब तीन विकेट कीपर को कैसे कहाँ पर पिक करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है? तो ये रहा अपना विकेट कीपर सेक्शन, ठीक है? अब विकेट कीपर सेक्शन पर मैं जैसे कि मैंने बोल दिया है, अभी हम लोग विकेट कीपर सेक्शन फील कर लेते हैं। तो जैसे विकेट कीपर सेक्शन फील करेंगे, यहाँ से दिनेश कार्तिक, पहले हम लोग दिनेश कार्तिक को फील कर लेते हैं। फिर अपना कौन है? जॉस बटलर। तो हम लोग पहले जॉस बटलर को ले लेंगे। फिर अपना कौन है? संजू सैमसन। संजू सैमसन। अब हम लोग करेंगे क्या है कि ये जो हमने तीन तीन मतलब तीनों को ले लिया, लेकिन तीनों को कैसे लेना है? अगर यहाँ पर तीन ले लिया तो यहाँ पर हमको चार नहीं मिलेगा, यहाँ पर दो नहीं मिलेगा, यहाँ पर चार नहीं मिलेगा, क्योंकि तीन और चार सात और दो कितना हो गया? नौ। नौ और चार 13 प्लेयर हो रहा है। 13 प्लेयर तो नहीं ले सकते, 11 प्लेयर लेना है। अब 11 प्लेयर कैसे लेना है वो भी बताऊंगा। यही तो लॉजिक है भाई। दिनेश कार्तिक जो है, पहले मैं बता देता हूँ, हम लोग टोटल टीम जो है, ठीक है, टीम सॉरी 9 टीम के साथ जा रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर हम लोग सोच लेते हैं कि राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स पहले बैट कर रहा है, यानी कि बेंगलुरु टॉस जीत के बॉल लिया, ठीक है? अभी हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिनेश कार्तिक, दिनेश कार्तिक को रखेंगे 2 ऊपर, जॉस बटलर को रखेंगे 2 ऊपर और संजू सैमसन को रखेंगे 2 ऊपर। अब कितना हो गया हम लोगों का? 6 टीम। अब बनाना है नेक्स्ट 3 टीम। 3 टीम में कैसे रखना है वो भी बता देता हूँ। ये दो 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 कैसे रखना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है? ये दिनेश कार्तिक को रखूंगा अकेला 1 में, जॉस बटलर को रखूंगा अकेला 1 में और संजू सैमसन को रखूंगा अकेला 1 में, ठीक है? अकेला, सब अकेला में रहेगा ये 3। अब यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। सॉरी फॉर नॉइस, यहाँ पर मैं थोड़ा इसको क्लीन कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में थोड़ा आसानी हो हमारा। तो ये जो अपना दिनेश कार्तिक, जॉस बटलर एंड संजू सैमसन है, ठीक है, ये दिनेश कार्तिक के साथ संजू सैमसन को रखेंगे कितना पर? 2 पर। अब संजू सैमसन के साथ और जॉस बटलर को रखेंगे कितना पर? 2 पर। और क्या करेंगे? संजू सैमसन के साथ दिनेश कार्तिक को रखेंगे कितना पर? 2 पर। तो कितना होगा? 2, 2, 2, 6 और 3, यहाँ पर 9। 9 टीम कंप्लीट हो गया अपना, 9 टीमों का सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। तीनों को अलग अलग रखा, तीनों को तीनों के साथ भी रखा। क्या किया? दिनेश कार्तिक के साथ जॉस बटलर को 2 में रखा, और क्या किया? जॉस बटलर के साथ संजू सैमसन को 2 में रखा, और क्या किया? संजू सैमसन के साथ दिनेश कार्तिक को 2 में रखा। मतलब तीनों पे तीनों जो है हमारा हर 3 टीम में रह गया, हर 3 टीम में है। दिनेश कार्तिक के साथ ये 2 टीम में, मतलब इधर में 1-3 हो गया, इधर में 1-3 हो गया, ऐसा करते हर कोई 3 में हम लोगों का हो गया। अभी हम लोगों को क्या बात करना है? अभी हम लोगों को ये बैटिंग सेक्शन फिल करना है। तो बैटिंग सेक्शन फिल करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों के पास बैटिंग कितना है, ठीक है? अब पूरा का पूरा बैटिंग हम लोग ले लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे अगर वीडियो नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेगा। ये जो टीम है, बैटिंग जितना है हम सारे के सारे बैटिंग को ले लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे अब हमें वो बताऊंगा। यहाँ पर आपको देखना होगा फैफ डुप्लेसिस एक, ये रावत एक, तो विराट कोहली एक, 3, ठीक है, डेविड विली एक, सॉरी यहाँ पर रदरफोर्ड एक, 4 हो गया। और इधर से आपको देखने को मिल जाएगा कौन? जयसवाल एक, पडिक्कल एक, 2 और हेटमर एक, 3, बस 3। तो कितना हो गया? 4 और 3, 7 प्लेयर। अब 7 प्लेयर को ये 4 जगह पर ले लेंगे। कैसे लेंगे वो अभी बताएंगे। और कल के मैच के लिए पडिक्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पडिक्कल को बेंगलुरु ने नहीं रिटेन नहीं किया, छोड़ दिया। इतना अच्छा फॉर्म देने के बाद भी क्या किया? पडिक्कल को छोड़ दिया। अब बेंगलुरु पडिक्कल को छोड़ दिया तो पडिक्कल तो आके कल मारेगा ही। ये चीज ध्यान रखना कि पडिक्कल कल का मैच में मारेगा ही मारेगा, ये चीज अपने दिमाग में घुसा लो, ठीक है? अभी हम लोग फिल करेंगे ये बैटिंग सेक्शन, बैटिंग का जो 4 जगह है, हम लोग अभी ये 4 जगह को फिल करेंगे। तो कैसे फिल करेंगे वो अभी मैं बता देता हूँ। तो पहला हम लोग यहाँ पर पिक कर लेंगे देवदूत पडिक्कल। देवदूत पडिक्कल को रखेंगे हम लोग 3 पर, कैसे रखेंगे वो भी बता देते हैं। दूसरा हम लोग पिक करेंगे क्या? एस रदरफोर्ड, एस रदरफोर्ड। तीसरा हम लोग क्या करेंगे? फैफ डुप्लेसिस। और तीसरा क्या करेंगे? विराट कोहली, विराट कोहली। बस ये हो गया अपना 3-4 जगह, 4 जगह कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टीम में क्या करना है, दूसरा टीम में बता देता हूँ, ठीक है? दूसरा टीम में आपको क्या करना है, देवदूत पडिक्कल की जगह पर, देवदूत पडिक्कल सॉरी
और यहाँ पर रदरफोर्ड की जगह पर हम लोग क्या करेंगे पता है, रदरफोर्ड की जगह पर हम लोग रखेंगे सर विराट कोहली, यहाँ पर विराट कोहली की जगह पर विराट कोहली फील कर लेते हैं, और यहाँ पर फैफ डू प्लेसिस की जगह पर, सॉरी फैफ डू प्लेसिस की जगह पर फैफ डू प्लेसिस को हमने यहाँ पर रख लिया। अब जब बचा ये जगह, इस पर हमको किसको लेना है, अब सोच रहे हो, अब हमको यहाँ पर लेना है, ये देख रहे हो सिमोन हेटमैन, ये आपको दिख रहा है हेटमैन, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हेटमैन को रख लेंगे। तो ये क्या सिमोन हेटमैन, तो क्या हो गया इस टीम में पूरा सिमोन हेटमैन लास्ट टीम में छूट गया था, सिमोन हेटमैन भी हम लोगों का दूसरा टीम में आ गया। अब तीसरा टीम का जो प्लानिंग है, तीसरा टीम का प्लानिंग हम लोग कैसे बनवाएंगे वो आपको बता देते हैं। तीसरा टीम का प्लानिंग जो रहेगा हम लोगों का, यहाँ पर जो पडिक्कल है और जयसवाल है, ठीक है, अब जो जयसवाल छोड़, जयसवाल हम लोगों के पास नहीं है अभी, ठीक है, ये भी ध्यान रख, अभी हम लोगों को जयसवाल को पिक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर फैफ डू प्लेसिस की जगह पर जयसवाल ले लेंगे, इधर का बैंगलोर का ओपनिंग छोड़ देंगे, और इधर का जो है मतलब राजस्थान रॉयल्स का जो ओपनर है, राजस्थान रॉयल्स का ओपनर हम लोग पिक कर लेंगे। हमने क्या किया कि जयसवाल को हमने पिक कर लिया, ठीक है, सॉरी वाई जयसवाल होगा, वाई जयसवाल को हमने पिक कर लिया। अब क्या करना है यहाँ पर संजू सैमसन, सॉरी यहाँ पर जो सिमोन हेटमैन है, सिमोन हेटमैन की जगह पर हम लोग क्या करेंगे पडिक्कल, सॉरी पडिक्कल की जगह पर पडिक्कल ही रख लेते हैं, ठीक है, इसको जगह पर थोड़ा क्लियर करते हैं। और यहाँ पर जो जगह बचा है यहाँ पर क्या करेंगे अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे विराट कोहली की जगह पर विराट कोहली को रख लेते हैं, और यहाँ पर ले लेंगे ए रावत, ठीक है। अब यहाँ पर कैप्टन, यहाँ पर किसको कितना टीम में लेना है वो मैं बता देता हूँ, फैफ डू प्लेसिस जो है अपना तीन टीम में रहेगा, विराट कोहली जो है अपना तीन टीम में, सॉरी विराट कोहली जो है अपना चार टीम में रहेगा, और यहाँ पर जयसवाल जो है जयसवाल रहेगा अपना तीन टीम में, ठीक है। और यहाँ पर बचा कौन, यहाँ पर एसर मतलब कौन है अपना एसर, सॉरी यहाँ पर जो सिमोन हेटमैन है, अभी के लिए जो सिमोन हेटमैन है, तो सिमोन हेटमैन को हम लोग क्या करेंगे, सिमोन हेटमैन को हम लोग तीन पे रखेंगे, और ये जो अपना एस रदरफोर्ड है रदरफोर्ड को भी तीन पे रखेंगे, और ये जो अपना ये आ रहे हैं, ये आ रहा मतलब कौन है आपका, ये आ रहा मतलब यहाँ पर है ये रावत को रखेंगे दो पर, ठीक है, ये हो गया अपना टीम। अब पडिक्कल को कितने में रखेंगे, पडिक्कल को रखेंगे हम लोग पांच पर, ये तीन नहीं पांच पर रखेंगे, ठीक है। अब ये ऑलराउंडर जगह बचा है, अभी हम लोग सीधा आएंगे ऑलराउंडर पर और ऑलराउंडर को फील करेंगे। तो ऑलराउंडर को कैसे फील करना है मैं बता देता हूँ, ऑलराउंडर पर कौन कौन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर हसरंग है एक है ऑलराउंडर पे, दूसरा आपको कौन देखने को मिलेगा डेविड विली है, तो दो हो गया, और कौन है ऑलराउंडर पर ऐसा हमने देखे, ये तीन हो गया, कौन किधर से बैंगल रूप की तरफ से हम लोगों के लिए तीन हो गया। अब हम लोग चलेंगे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जो ऑलराउंडर है वो कितना है, सिर्फ एक है जिसका नाम है रियान पराग, ये आप देख सकते हो रियान पराग जो ऑलराउंडर में आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ एक प्लेयर है ऑलराउंडर के लिए। अब हम लोग ये जो जगह बचा है दो, अब हसरंगा को तो छोड़ नहीं सकते किसी भी टीम में, लेकिन हम लोग तो जा रहे नौ टीम के साथ ना, तो एक में छोड़े तो दो में छोड़े तीन में छोड़े तो क्या हुआ, पर क्या है तीन में अगर हमने नौ टीम के साथ जा रहे तो तीन टीम में अगर छोड़ दिया तो क्या है, परेशानी क्या है, रिस्क तो लेना पड़ेगा, ग्रैंड लीग अगर विन करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो हम लोग जो है ये ऑलराउंडर की जगह पर क्या करेंगे, अभी ये रियान पराग जो है और हसरंगा और ऐसा अहमद और विली, चार ऑप्शन है हम लोगों के पास, अब ये जगह हम लोगों को फील करना है। तो चलो अभी हम लोग फील कर लेते हैं। तो हम लोग पहले जो है हसरंगा, ये रहा डब्लू हसरंगा को रखेंगे पांच पर, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग दूसरा लेंगे यहाँ से रियान पराग को रखेंगे तीन पर, ठीक है। अब बचा है कौन कौन, विली ऐसा अहमद, ये दो बचा है। अब क्या करेंगे यहाँ पर फिर से रख लेंगे डब्लू हसरंगा को, ठीक है, और यहाँ से हम लोग रख लेंगे डेविड विली को, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये डब्लू हसरंगा का ये हो गया, चलो ये हो गया अपना हसरंगा। अब दूसरा टीम जो बनवाएंगे, दूसरा टीम में क्या करेंगे, दूसरा टीम में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से विली को रखेंगे डेविड विली, और इधर में रखेंगे हम लोग अपना जो रियान पराग, ये रहा अपना रियान पराग, ये हो गया अपना दूसरा। अब तीसरा का कॉम्बिनेशन कैसे रखना है, तीसरा कॉम्बिनेशन हम लोग ऐसे रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम लोग ऐसा अहमद अपना जो है ऐसा अहमद, और दूसरे पे हम लोग जो रखेंगे डेविड विली, ठीक है, ये हो गया अपना दूसरा। अब तीसरा में जो रखेंगे, तीसरा में कैसे क्या रखना है वो बता देते हैं। तीसरा में हम लोग को जो रखना है, ये जो हसरंगा है, ये हसरंगा को हम लोग रख लेंगे अब डब्लू हसरंगा, और ये जो जगह है ना, इस जगह पर हम लोग रख लेंगे ऐसा अहमद। अब क्या हुआ,
हर्षरंगा के साथ एसा अहमद भी मिल गया हम लोगों को, हर्षरंगा के साथ डेविड ओयली भी मिल गया और हर्षरंगा के साथ पराग भी मिल गया। अब पराग के साथ ओयली भी मिला, पराग के साथ एसा अहमद भी मिला और पराग के साथ हर्षरंगा भी मिला, मतलब चार के साथ चारों को मिल गया, वो भी नौ टीम में, बस सिर्फ नौ टीम में मिल गया और दोनों जगह पर ही मिल गया। अब समझ रहे हो बात को कि ग्रैंड लीग अगर पकड़ना है ना आपको तो इसी तरीके से पकड़ना होगा। अगर आप इसी तरीके से नहीं पकड़ते हो तो नहीं, आपका ग्रैंड लीग कभी भी नहीं होगा। आप क्या करते हो, हर्षरंगा को उठा लिया, नौ टीम बना रहे हो, आठ में हर्षरंगा को उठा लिया, और या फिर क्या करते हो ऐसा अहमद को तीन पे उठा लिया, तो ऐसा करके नहीं बनता है। आठ पे उठाने से नहीं होगा, पांच पे उठाओ, उसमें से दो एक में कैप्टन वाइस कैप्टनसी बना दो, ऐसा करके आपको टीम बनाना है। अभी हम लोग चलेंगे बॉलिंग सेक्शन पर, और बॉलिंग सेक्शन पर कौन कौन है पहले वो देख लेते। बॉलिंग सेक्शन पर आपको देखने को मिल जाएगा बेंगलुरु की तरफ से हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज एंड अर्शदीप, ठीक है, ये मिल गया तीन। अभी आपको देखने को मिल जाएगा राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से मिल जाएगा रविचंद्रन अश्विन, नंदीप सैनी, ट्रेंट बोल्ट, चहल एंड प्रदीप कृष्णा, मतलब पांचों के पांच इनका बॉलर है। तो हमने पहले क्या बोला है कि यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स का टीम पहले बैट कर रहा है और अर्शदीप का टीम पहले बॉलिंग कर रहा है, तो यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन हम लोगों का ठीक उसी तरीके से फील होगा। कैसे फील होगा अभी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो जगह है बॉलिंग सेक्शन, हम लोग क्या करेंगे, सिराज को फर्स्ट पिक करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर मोहम्मद सिराज को पिक कर लिया, ठीक है। अब बचा है तीन जगह, और तीन जगह में यहाँ पर हम लोग क्या क्या, हर्षल पटेल है, अर्शदीप है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हर्षल पटेल को पिक करेंगे, यहाँ पर हमने पिक कर लिया हर्षल पटेल। अब इन लोगों का स्पिनर के हिसाब से हर्षरंगा को मैंने उठा लिया, यहाँ पर भाई उइली को भी उठा लिया और ऐसा अहमद को भी उठा लिया, मतलब स्पिनर जो है ये सब आ गया। अब हम लोगों को सिर्फ फर्स्ट पिक करना है, अगर फर्स्ट बॉलर से पिक करना है तो यहाँ पर हम लोग, आप बोलोगे स्पिनर तो फिर राजस्थान का स्पिनर छूट रहा है, तो मैंने पहले क्या बोला, ये जो पिच है फॉग पिच है, सेकेंड में स्पिनर काम नहीं आएगा, तो हम लोग यहाँ से किसको काट देंगे, चहल को एकदम ही नहीं लेंगे और रविचंद्रन अश्विन को भी एकदम ही नहीं लेंगे। अब बचा कौन कौन, नंदीप सैनी, ट्रेंट बोल्ट एंड प्रदीप कृष्णा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ले लेंगे ट्रेंट बोल्ट, दूसरा जो है दूसरा पे हम लोग क्वेश्चन खोलेंगे यहाँ पर नंदीप सैनी, ये हो गया अपना नंदीप सैनी, बस ये हो गया पहला। अब दूसरा के जगह पर क्या करेंगे, दूसरा जगह पर हम लोग क्या करेंगे, मोहम्मद सिराज के जगह पर हम लोग अर्शदीप सिंह को रखेंगे, अर्शदीप को रखेंगे, ठीक है, एदीप को। और यहाँ पर जो जगह है, मतलब हर्षल पटेल की जो जगह है, हर्षल पटेल की जगह पर हम लोग मोहम्मद सिराज को रखेंगे। अब बचा ट्रेंट बोल्ट एंड नंदीप सैनी, अगर ट्रेंट बोल्ट की जगह पर हम लोग ट्रेंट बोल्ट को ही रखेंगे और नंदीप सैनी की जगह पर हम लोग प्रदीप कृष्णा को रखेंगे, ये हो गया अपना प्रदीप कृष्णा। अब बचा है तीसरा टीम, अब तीसरा टीम में कैसे बनवाना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अर्शदीप सिंह ले लिया, सिराज ले लिया, हर्षल पटेल ले लिया, तीनों को तीनों आ गया, यहाँ पर प्रदीप कृष्णा भी आ गया, ट्रेंट बोल्ट भी आ गया और नंदीप सैनी भी आ गया, मतलब तीनों का तीन सारे के सारे प्लेयर आ गया। अब क्या करना है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो हम लोगों को अभी करना है, यहाँ पर जो अर्शदीप की जगह है यहाँ पर हम लोग रख लेंगे हर्षल पटेल को, ये हो गया अपना हर्षल पटेल। दूसरी जगह पर हम लोग रखेंगे प्रदीप कृष्णा, प्रदीप कृष्णा। तीसरी जगह पर हम लोग रखेंगे बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट को, क्योंकि रखना है इस टीम में छोड़ देते हैं, ट्रेंट बोल्ट को हर टीम में नहीं रखेंगे, तो ट्रेंट बोल्ट को अभी हम लोग छोड़ देते हैं। तो ट्रेंट बोल्ट की जगह पर हम लोग नंदीप सैनी को उठा लेंगे, ये हो गया अपना नंदीप सैनी। और जो नेक्स्ट जगह है वहां पर किसको पिक करना है, ये चीज ध्यान रखना, ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो लास्ट जगह बचा है यहाँ पर हम लोग जो पिक करने वाले है वो पिक करेंगे एदीप, ये हो गया अपना एदीप। और लास्ट वो टीम बता देते हैं, लास्ट वो मतलब लास्ट जो हम लोगों का टीम होने वाला है वो कैसे होने वाला है। तो लास्ट टीम बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना, और नीचे भाई कमेंट सेक्शन पर एक कोई अच्छा सा कमेंट करते हुए जाना, ताकि मुझे भी देखकर अच्छा लगे कि हाँ भाई ने कुछ कमेंट किया है। और कमेंट पर आपको कोई भी सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट पर जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा। तो चलो अभी हम लोग लास्ट जो है लास्ट ऑप्शन फिल कर लेते हैं, तो लास्ट ऑप्शन फिल कर लेते हैं अभी। तो लास्ट ऑप्शन में क्या करेंगे, हम लोग पहले रखेंगे मोहम्मद सिराज, दूसरा रखेंगे एदीप, तीसरा हम लोग कौन रखेंगे यहाँ पर, ट्रेंट बोल्ट एंड प्रदीप कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट एंड प्रदीप कृष्णा, ये हो गया अपना चौथा टीम। मतलब मेरा अर्शदीप के साथ सिराज भी है, सिराज के साथ हर्षल पटेल भी है, हर्षल पटेल के साथ अपना एदीप भी है, और
एमसी राज के साथ एदीप भी है, और इधर पे आपको देखने को मिल जाए प्रदीप कृष्णा के साथ, आपको बोल्ड भी देखने को मिल जाए, बोल्ड के साथ साइनी, साइनी के साथ बोल्ड, बोल्ड के साथ प्रदीप कृष्णा, और साइनी के साथ प्रदीप कृष्णा भी मिल जाए, मतलब पूरा का पूरा स्क्वाड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक साथ। तो चलो तब तक कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पर, टाटा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं।